गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेरा एक बहुत ही खास वीडियो जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं किस तरीके से अपने घर को डस्ट से फ्री तो रखती ही हूँ, धूल वगैरह मैं रोज ही साफ करती हूँ, लेकिन मैं किस तरीके से पूरी तरह से घर को थोड़ा थोड़ा करके मैं साफ करती हूँ, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सुबह हो गया है, पहले ज़रूरी होते हैं दर्जा खिड़की ये सब खोल देना। ये सब खोल देने के बाद घर पे जब फ्रेश एयर आएंगे ना, वही घर को एकदम पॉजिटिविटी वाइब ला देते हैं। तो बस इसके लिए मैंने सब कुछ दरवाज़ा खिड़की खोल दिया। मॉर्निंग सबसे मेरा इम्पॉर्टेंट होता है, मेरा मॉर्निंग का पानी जो मैं रात को ही प्रिपेयर करके रख देती हूँ, जो भी धनिया जीरा मेथी सौंफ अजवाइन देती हूँ रात को ही देकर रख देती हूँ, और उसके बाद इसको बॉयल होने के लिए दे देती हूँ और फिर ब्रश कर लेती हूँ। तो अभी ये वाला पानी मेरा गर्म हो गया है, बॉयल आ गया, इसको मैं ठंडा करूँगी। तब तक मैं पी लूँगी एप्पल साइडर विनेगर। एक्चुअली एप्पल साइडर विनेगर को ही की बॉन्ड के पहले मैं बहुत लेती थी, फिर एप्पल साइडर विनेगर प्रेगनेंसी और फीडिंग वोमेंस के लिए अच्छा नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया और अभी से मैं लेना स्टार्ट कर दिया है फिर से। तो देखिए, मॉर्निंग का जो ये टाइम है, ये मेरा सबसे फेवरेट टाइम है, ये वाला टाइम और शाम के वाला टाइम, सनसेट का टाइम। इस टाइम पे जो सन का जो पावर होते हैं ना, वो बहुत ही हल्का होते हैं और वो जब हम लोग की बॉडी को टच करते हैं काफ़ी अच्छा लगता है, और मुझे ये वाला फीलिंग्स चाहिए होता है। तो सुबह जल्दी जल्दी उठती हूँ और ये वाला फीलिंग्स लेना स्टार्ट कर दिया है आजकल। तो घर का मेरा साफ सफाई पूरा हो गया है, आज मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है मॉर्निंग का साफ सफाई, तो मैंने शावर भी ले लिया और शावर लेने के बाद मैं पूजा करूँगी। और आज है सैटरडे, तो सैटरडे को मैं मंदिर का डीप क्लीनिंग करती हूँ, मतलब मंदिर को मैं अच्छे तरीके से साफ करती हूँ और अंदर बाहर, फिर उसके बाद मैं भगवान को स्नान कराती हूँ और उसके बाद अच्छी तरीके से उसको मैं बैठाती हूँ, फिर अच्छी तरीके से मैं पूजा करती हूँ। एक्चुअली सैटरडे को मंदिर साफ़ करना वास्तु के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसलिए मैं वही फॉलो करती हूँ। तो ये देखिए, नेट का कर्टेंस, जितना भी नेट का कर्टेंस था वो सब मैंने धो दिया कल रात को ही, और सुबह उठकर ही उसको मैंने बाहर सूखने के लिए दे दिया था, और अभी मैं उसको लगा दूँगी। और जब मैं शावर लिया था उस टाइम पे मैंने कपड़े थोड़ा सा हाथ से धुल दिए थे, क्योंकि आजकल गर्मी का टाइम है तो फटाफट कपड़े सूख जाते हैं। तो ये देखिए, मेरा मंदिर साफ हो गया, अभी मैं भगवान जी को यहाँ पे बिठाऊंगी।
पूजा करने के बाद हम लोगों ने किए ब्रेकफास्ट और गौतम ऑफिस चले गए। उसके बाद मैं कुई को करा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो कुई के ब्रेकफास्ट होने के बाद कुई का जो ब्रेकफास्ट का बर्तन था वो मैंने धुल दिए है फटाफट से। एक भी बर्तन में नहीं रखती हूँ सिंक पे। प्रेपरेशन देखकर आप लोगों को पता चल गया है आज मैं बनाऊंगी राजमा। तो आज सैटरडे है तो हम लोग प्योर वेज खाते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, तो इसलिए मैंने इसका प्रेपरेशन कर लिया है। तो किस तरीके से अदरक लहसुन के बिना मैं बनाऊंगी राजमा आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे तो मैं कई बार शेयर किया है और राइस में बनाऊंगी हंडी पे, तो इसलिए मैंने निकाला है ये पतीला, इस पे ही मैं आज बनाऊंगी राइस। आजकल हम लोग प्रेशर कुकर पे राइस नहीं बना रहे हैं क्योंकि इस तरीके से जो ओल्ड तरीका है ये पुराना तरीका, यही हम लोगों के हेल्थ के लिए बेस्ट है, तो मैंने सोचा कि इसको फॉलो किया जाए। तो जितना भी कर्टन्स मैंने धोया था वो सब तो सुबह ही ड्राई हो गया था, पर इसको मुझे लगाने के लिए टाइम नहीं मिल रहे थे, तो इस वजह से अभी मैं इसको लगा रही हूँ। लंच के लिए मैंने प्रिपरेशन कर दिया है तो अभी फटाफट से ये सब कर्टन में लगा लूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में मुझे वो जो खिड़की पे आप लोग नेट का कर्टन देख रहे हैं वो मैं धोऊँगी, लेकिन वो मैं आफ्टर लंच ही ढोंगी। सो फाइनली पूरे घर पे जितना मैंने कर्टन्स धोया था तो सब कुछ मैंने लगा लिया। तो अभी एक ग्लास गर्म पानी पीऊँगी थोड़ी देर टीवी देखकर, फिर उसके बाद जाऊँगी खाना बनाने के लिए। अभी फ़िलहाल कुही नहीं है तो थोड़ी देर में ही कुछ देख लेती हूँ, वैसे तो टीवी कुही ही दिन भर देखते रहते हैं। तो चलिए आधे घंटे के बाद मैं आ गई हूँ किचन पे। पहले कुही का राइस मैं चढ़ा दूँगी, उसके बाद इस साइड पे मैं बनाऊँगी राजमा जो एकदम सिंपल और बेसिक है। मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल पे जीरा दे दिया है और तेजपत्ता, कूटे हुए अदरक, फिर उसको मैंने थोड़ी देर फ्राई किया है लगभग 10 सेकेंड तक, और उसके बाद मैंने टमेटो को देकर आलू के साथ थोड़ी देर नमक देकर फ्राई किया है 5-6 मिनट तक। फिर उसके बाद हल्दी धनिया जीरा पाउडर ये सब देकर मैंने लगभग फ्राई किया है 7-8 मिनट तक। उसके बाद राजमा को दे दिया, फिर राजमा के साथ इसको मैंने 10 मिनट तक
स्टर करके रख दी और उसके बाद मैंने वहाँ पे गर्म पानी दे दिया और 7-8 सीटी आने के लिए छोड़ दिया था। और उस साइड पे बना रही हूँ हम लोगों के लिए राइस। फिर सीटी चले जाने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला को ऐड कर दूँगी और उसके बाद हम लोग का राजमा बनके तैयार हो जाएंगे। और इस साइड पे बना रही हूँ राइस। तो खाना बनाने के बाद मैंने कुही को नहला दिया है। आजकल थोड़ा थोड़ा गर्मी है तो इस वजह से कुही को मैं रोज़ ही नहला देती हूँ। और वैसे भी अभी इतना धूल का सीज़न है तो इस टाइम पर तो रोज़ नहाना ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो अभी मैं कुही को खाना दे रही हूँ, उसको मैं खाना खिला लूँगी और उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। कुही को खाना वाना खिलाने के बाद मैंने इसको सुला दिया है और अभी हम दोनों खाना खाएंगे। और आज सिर्फ राजमा ही बनाया है तो राजमा के साथ ही चावल खाएंगे आज। वैसे तो गौतम और मेरा ये जो राजमा है बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है तो हम दोनों भी बैठकर राजमा को एंजॉय कर रहे हैं। लंच करने के बाद जितना भी थोड़ा बहुत कपड़े मुझे धोना था वो मैंने धो लिया और वो भी अभी सूख भी गया है क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन पे कपड़ा ऑलरेडी सुखा दी। फिर उसको मैंने बाहर थोड़ी देर धूप में रखा तो वो अच्छी तरीके से सूख गया है। तो अभी मैं कर्टेंस को लगाऊंगी और जितना भी मैंने कपड़े धोए हैं वो सब ठीक ठाक करके रखूँगी। तो इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा कपड़े जो होते हैं वो मैं साफ़ करते रहती हूँ 4-5 महीने के बाद, क्योंकि इतना ज़्यादा भी गंदा नहीं होते हैं। और डस्ट वगैरह तो मेरा बहुत ही कम होते हैं घर पे क्योंकि मैं अच्छी तरीके से घर को रोज़ ही साफ़ करती हूँ। मतलब आप जब रोज़ साफ़ करेंगे ना आपको घर साफ़ करने में इतना मेहनत नहीं लगेंगे क्योंकि घर हम आप रोज़ ही साफ़ करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो मेरा घर इतना धूल से भरा हुआ नहीं रहते हैं तो मुझे बहुत ही आसानी से 1 घंटे के अंदर घर का झाड़ू पोछा फर्नीचर डस्टिंग ये सब हो जाते हैं। सोफ़ा कवर लगाने के टाइम पे मुझे याद आया मैंने न्यू कुशन कवर ली थी, बहुत दिन हो गया तो अभी मैं उस कुशन को यहाँ पे लगाऊंगी। ये वाला ग्रीन कलर का कुशन कवर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरे घर के साथ अच्छी तरीके से मैच हो रहे थे, थीम के अकॉर्डिंग जा रहे थे। तो मैं ये नई वाला कुशन कवर यहाँ पे लगाकर थोड़ा सा घर को एक अलग सा लुक लाने का कोशिश ज़रूर करूँगी। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि थोड़ा सा घर को डिफरेंट करूँ, थोड़ा सा डिफरेंट करूँ। इस तरीके से मैं सोच कर थोड़ा बहुत कुछ चेंज करते रहती हूँ तो इस वजह से बोर नहीं लगते हैं घर को। मतलब एक ही डिज़ाइन हमेशा देखने को नहीं मिलता है। अगर आप थोड़ा सा कुशन कवर ही दो एक चेंज कर दे या फिर पर्दे चेंज कर दे तभी आपका घर पूरी तरीके से न्यू दिखेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैं घर का कपड़ा धोती हूँ क्योंकि एक साथ इतने सारे कपड़े को धोना पॉसिबल नहीं होते हैं। तो
तो इस वजह से कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके धोऊँ। आज अगर मैंने कुशन कवर या सोफ़ा कवर धो दिया, नेक्स्ट डे मैं धोऊँगी जो डोर का नेट कर्टेन है वो, फिर मैं विंडो का नेट कर्टेन। इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके धोती हूँ। वैसे तो एक साथ भी सारा घर का कपड़ा धोने का मुझे आदत है, क्योंकि मैं कई बार धो चुकी हूँ, और अगर बहुत ज़रूरी होता है तब मैं ऐसे धोती हूँ, अगर नहीं होता है तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ही धोती हूँ। और वैसे भी अभी कुही भी है, तो इतना सारा कपड़ा अगर मैं धोऊँगी तो कुही को भी देखना पड़ता है, पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरीके से मैं अपने घर को मेंटेन करके रखती हूँ। आप अपने घर को किस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे वीडियोस को देखकर आपको कुछ मोटिवेशन मिलते हैं या फिर कुछ भी देखकर अच्छा लगता है, मुझे वो भी कमेंट करके बताइए। और अभी इवनिंग हो गया है तो घर का भी काम अभी धीरे धीरे करके कम हो गया। इवनिंग टाइम का यही एक ख़ास बात होती है कि सारा काम ख़त्म हो जाते हैं और घर में एक पॉजिटिव एंड पीस का वाइब होते हैं। तो इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। टेक केयर एंड बाय।